जय हिंद। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज जिस सूचना को लेकर मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ वो बहुत बड़ी एक कष्टदायक और दुखदायक घटना आज राजस्थान में हजारों लाखों युवाओं के साथ घटित हुई। हो सकती है किसी के लिए ब्रेकिंग न्यूज हो, लेकिन एक विद्यार्थी के लिए और एक शिक्षक के लिए ये कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं हो सकती। ये हमारे विद्यार्थियों के लिए बहुत दुख और कष्ट देने वाली घटनाएं हैं। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने अपने माता पिता के हजारों लाखों रुपए खर्च करके पिछले 5-6 साल से, 2 साल से, 3 साल से जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने पिछले 6 महीनों से धूप तक नहीं देखी होगी, वो एक बंद कमरे में, छोटे से कमरे में बैठकर निरंतर अपनी सफलता के लिए शिद्दत से मेहनत कर रहे थे, उनके सपनों के साथ ये बहुत बड़ा कुठाराघात है, उनके साथ बहुत बड़ा धोखा है। जब ऐसी सूचनाएं सामने आती हैं, ऐसी घटनाएं सामने आती है, तो विद्यार्थी और उनसे जुड़े हुए, ये कोई तैयारी करने वाले युवाओं से जुड़ी हुई नहीं है, उनके साथ जो 12 लाख कैंडिडेट है उनके साथ, उनके फैमिली के साथ भी जुड़ी हुई घटना है, उन परिवारों के साथ ये धोखा हुआ है। और एक परीक्षा की बात नहीं रही, ये राजस्थान की परंपरा बन चुकी है साथियों। प्रत्येक परीक्षा, अभी हाल ही में कुछ समय पहले वनपाल का जो पेपर हुआ, वन रक्षक का जो पेपर है, उसमें पेपर लीक हो गया, पहले कॉन्स्टेबल में हो गया, रीट का सबने सुन रखा है, रीट में जो चीट की घटना रही पूरे देश भर में चर्चित रही, और आज सुबह सुबह की ये न्यूज जिसमें सेकेंड ग्रेड में आज जो सी ग्रुप का पेपर होना था वो रद्द कर दिया जाता है, निरस्त कर दिया जाता है। बच्चों के हाथ में पेपर दिया गया और बाद में सूचना आती है कि पेपर लीक हो गया। तो ये कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, विद्यार्थियों के साथ बहुत बड़ा कुठाराघात है, उनके सपनों को तोड़ने वाली घटना है। ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार ने कानून तो बना दिया, लेकिन इस कानून को धरातल पर लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार विद्यार्थियों के सपनों की पहरेदार होनी चाहिए, लेकिन बार बार ऐसी घटनाएं विद्यार्थियों के पूरे सपनों को झकझोर देती है, तोड़ देती है। 6-6 साल से तैयारी कर रहे हैं युवाओं ने अपनी जवानी बर्बाद कर दी इसके लिए, और उनके हाथ में क्या लगता है कि दो छोटे से सेंटेंस, पेपर निरस्त, पेपर लीक, कहना 2 मिनट में 1 मिनट में ये आप सूचना टाइप कर सकते हो, दे सकते हो पेपर निरस्त, लेकिन इसके पीछे 6 महीने की, 6 साल की, 2 साल की मेहनत, उसको कौन देखेगा? सरकारों के लिए, प्रशासन के लिए बात कहना बिल्कुल आसान है कि पेपर निरस्त हो गया, लेकिन जो बच्चों ने मेहनत किए, जो उनके सपने टूटे हैं, उनका जवाब कौन देगा? और गहलोत साहब बार बार कहते हैं कि रोजगार दिया जा रहा है, रोजगार दिया जा रहा है, ऐसी घटनाओं से क्या साबित हो रहा है, रोजगार किसको दिया जा रहा है? ये मैं बहुत बड़ा प्रश्न राजस्थान के युवाओं से पूछना चाहता हूं कि ये रोजगार किसको दिया जा रहा है? सरकार बार बार दावे कर रही है कि रोजगार दिया जा रहा है, युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है, रोजगार किसको मिल रहा है? जो मेहनत कर रहा है उसके तो सपने निरंतर टूटते जा रहे हैं, रीट हो, वनपाल हो, वनरक्षक हो, सेकंड ग्रेड हो, पेपर निरस्त हो जाता है। तो विद्यार्थियों के लिए ये सूचना तो सबको मिल गई होगी, लेकिन आपको धैर्यवान रहना है। जिन विद्यार्थियों का सेकंड शिफ्ट का पेपर है आज, प्रथम पारी का पेपर जीके और साइकोलॉजी का पेपर निरस्त हुआ है, तो विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा तो आप मानसिक तौर पर मजबूत हो। ये कहना यहां से, इस मंच से कहना आसान है, लेकिन जो विद्यार्थी तैयारी करके इस पेपर को देने के लिए गया है उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल और ये घड़ी है, ये घटना है कि दूसरा पेपर देना है, उससे पहले ये पेपर निरस्त हो गया, चारों तरफ नेगेटिव माहौल बना हुआ है, पेपर निरस्त हो गया, अब वो दूसरा पेपर कैसे देगा? तो विद्यार्थियों आपको अपने आप को मैनेज करना है, धैर्य के साथ काम में लेना है आपको। ये सबके लिए ब्रेकिंग न्यूज है, वीडियो ऐसे ही चलते रहेंगे, हम भी वीडियो ही बना रहे हैं, आपको सूचना देने के लिए बना रहे हैं, लेकिन कुछ साथी तो ब्रेकिंग न्यूज के लिए बना रहे होंगे, सूचना पहुंचा रहे होंगे, लेकिन एक विद्यार्थी के लिए आज के दिन कम से कम जो दूसरा पेपर देने वाले हैं, सेकेंड पारी में जिनका पेपर है, इस प्रकार की घटनाओं से, अब हो गया जो हो गया, लेकिन इस प्रकार की न्यूज से आपको बचना है और पूरी तन्मयता के साथ अपने आप को मैनेज करके सेकेंड पेपर आपको देना है। तो सेकेंड पेपर आपका निरस्त नहीं हुआ है, वो सही समय पर आपका पेपर होगा। ये सेकंड पेपर वाली सूचना देना ज्यादा महत्वपूर्ण था, इसके लिए मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। और जो निरस्त हो गया वो पेपर कब होगा? आगामी आदेश आ जाएंगे, या तो नहीं तो 10, 15 या 20 दिन के अंदर ये पेपर हो जाएगा। तो दूसरा जो पेपर है वो आपको अपने आप को मैनेज करके पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में दूसरा पेपर देना है, जो आपका गणित विज्ञान का पेपर है उसको आपको अटेंड करना है। और ये पेपर लीक होने वाली घटनाएं कब तक चलती रहेगी? सरकार का इसमें क्या रुख होगा? क्या आरोपियों की गिरफ्तारी? ऐसे असामाजिक तत्व है जो बार बार चंद रुपयों के लालच में लाखों युवाओं और उन युवाओं के परिवारों के साथ ये जो धोखा करते हैं, कुठाराघात करते हैं, उनके सपनों को तोड़ने का काम करते हैं, उन पर कब कार्रवाई की जाएगी? सरकार का क्या रुख होगा?
जो कानून बने हैं उनको धरातल पर कब लागू किया जाएगा, कब उनकी गिरफ्तारी होगी, ये सरकार को जवाब देना चाहिए, अधिकारियों को जवाब देना चाहिए और उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि एक मैसेज जाए कि जो युवाओं के सपनों को तोड़ने का काम करेंगे उनको किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा, उनकी कड़ी से कड़ी सजा उनके लिए मुकर्रर की जाएगी। तो विद्यार्थियों धन्यवाद, आपको धैर्य बढ़ाकर रखना है, नेक्स्ट पेपर को आपको पूरी तन्मयता के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ देना है और आज के लिए कृपया करके इस प्रकार की खबरों से आप बचें और सेकंड पेपर दें, फिर जो भी कार्रवाई होगी, न्यूज होगी, वो आपको मिलती रहेगी। सेकंड पेपर जल्दी वापस से आरपीएससी के द्वारा आयोजित करवा लिया जाएगा। आरपीएससी जैसी बड़ी संस्था, भर्ती करवाने वाली जो शीर्षस्थ संस्था है, उनके पेपर लीक हो जाना ये कोई छोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। विद्यार्थी निरंतर मेहनत कर रहे हैं, ऐसी घटनाओं से उन्हें खून के आंसू रोने पर मजबूर होना पड़ता है। धन्यवाद।